बाल्टी के ढक्कन पे रशियन आर्ट जैसा क्राफ्ट बनाए आसानी से, वो भी बिना रशियन क्ले के। मैं हूं नरेंद्र दिल्ली इंडिया से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट। मैंने प्लास्टिक के बाल्टी का गोल ढक्कन यूज़ किया है। आप चाहे तो MDF बोर्ड, कार्डबोर्ड, शीशे का प्लेट, सेरेमिक प्लेट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ गोलाकार या चौकोर यूज कर सकते हैं। हमें इसके लिए वॉल पुट्टी चाहिए होगा। एक छोटे बाउल में 2 चम्मच फेविकोल मिलाएं, थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं 1 चम्मच, और 2 चम्मच वॉल पुट्टी पाउडर और 2 चम्मच से थोड़ा सा कम अरारोट पाउडर या फिर कॉर्नफ्लोर पाउडर, आधा ढक्कन के करीब वाइट वेनेगर। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करें और एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं। अगर ठीक रह गया तो थोड़ा सा फेविकोल और मिला सकते हैं। जैसे ही हमारा ये गाढ़ा पेस्ट तैयार होता है तो ब्रश के ऊपर थोड़ा सा ब्लैक कलर, एक्रेलिक ब्लैक कलर लें और इस पेस्ट में डालें और इन्हें भी मिलाएं। हमें एक ग्रे कलर का शेड बनाना है, लाइट ग्रे कलर का शेड बनाना है। इस गाढ़े पेस्ट को चम्मच की सहायता से प्लास्टिक के ढक्कन पर फैला दें। चाहे तो नाइफ से फैलाकर नाइफ का टेक्सचर दे सकते हैं, चाहे तो पुराने ब्रश से भी टेक्सचर दे सकते हैं, चाहे तो आप टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मर्जी हो वैसा टेक्सचर बनाएं, मनपसंद टेक्सचर बनाएं, आड़ा, तिरछा, टेढ़ा, मेढ़ा, जैसे भी आपको ठीक लगे बना सकते हैं। मैंने ग्रे कलर का शेड बनाया है, आप किसी अन्य कलर का भी शेड बना सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से ड्राई होने के लिए रख दें। अब दोस्तों, बाउल में 1 चम्मच वॉल पुट्टी, 1 चम्मच आरारोट पाउडर, थोड़ा सा विनेगर और 1 चम्मच फेविकोल और थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब गोल्डन येलो एक्रेलिक कलर, इन सबको अच्छी तरह फेंट कर मिलाएं। अभी आपको केवल चम्मच से मिलाना है, हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ध्यान रहे ये हमारा ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, यानी ये हमें डो की तरह बनाना है। जैसे ही ये थोड़ा गाढ़ा होता है तो किसी नाइफ से या चम्मच से इन्हें एक जगह इकट्ठा करें, हाथों में थोड़ा सा मॉइस्चर या ऑयल लगाएं और इस पेस्ट को मैश करें तो ये डो बन जाएगा। और इन्हें आप एयरटाइट डब्बे में या पॉलीथीन में, जहाँ पे हवा बिल्कुल ना जाए, वहाँ रखकर कम से कम 6 या 7 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा येलो कलर का डो तैयार है। जितना ज़रूरत हो उतना ही डो निकालें, बाकी को एयरटाइट डब्बे में ही रहने दें। इससे छोटे छोटे पेटल्स बनाएं और पुराने नाइफ या फिर नेल कटर की सहायता से लाइनिंग वाले टेक्सचर बनाएं। पेटल के किनारे ऊपर की साइड भी नाइफ से या नेल कटर से थोड़ा रफ टेक्सचर करें तो ये बिल्कुल रशियन आर्ट की तरह दिखाई देगा। इन सब पेटल्स को प्लान करके एक फ्लावर की तरह आकार दें और इन्हें आपस में चिपकाते चले जाए, केवल पानी से चिपक जाएगा, चाहे तो फेविकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आरारोट मिलाने से आप इस क्ले में बिल्कुल रशियन आर्ट या फिर क्ले की तरह टेक्सचर पाएंगे, जो मार्केट में काफ़ी महंगा है। पर आपने तो इसे बिल्कुल सस्ते में बना लिया, कमाल कर दिया आपने। अच्छा, फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं उन्हें थोड़ा सा उठाने के लिए इस तरीके से पेपर के बॉल्स का इस्तेमाल करें, बीच में रखें और ऊपर से फ्लावर के पेटल्स जो है पानी से चिपकाते चले जाएं। ज़रूरत पड़े तो किसी टूल की सहायता से या नेल कटर की सहायता से हल्का सा उठाएंगे तो ये उठ जाएंगे। इन सभी फ्लावर्स पेटल्स को आप अपने कंपोजिशन के हिसाब से छोटे, बड़े और बहुत सारे बनाकर, जितने ज़रूरत हो उतने सारे बनाकर सूखने के लिए छोड़ दें। जो टेक्सचर है वो ज़्यादा डार्क लग रहा था तो एक्रेलिक वाइट से मैंने इसको थोड़ा लाइट कर लिया। दोस्तों, जैसे हमने येलो कलर का डो बनाया था ठीक उसी तरीके से हम ग्रीन कलर का डो बना लेंगे। ग्रीन एक्रेलिक कलर मिलाकर इस ग्रीन कलर के डो से पतले पतले क्वाइल्स बनाएं और फेविकोल लगाकर कंपोजिशन के हिसाब से डंडिया या फिर टहनियाँ बनाते चले जाएं। दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एक कंपोजिशन यानी पेपर पे एक छोटा सा कंपोजिशन बनाकर रख लें ताकि उसी के हिसाब से आप सारा डिटेलिंग करें। इन्हें आप हल्का सा ड्राई होने दें
ताकि हम अगला लेयर कर सकें। अब आप दोस्तों छोटे छोटे लंबे लंबे इस तरह का शेप बनाएं और इन्हें उंगलियों से हल्का सा दबाव देते हुए फ्लैटन करें, यानी थोड़ा सा चपटा करें, और इसी पे नाइफ़ की सहायता से पत्तियों का टेक्सचर बनाएं। और इन पत्तियों का जैसे ही टेक्सचर बने तो हल्का सा फोल्ड करके फेविकोल की सहायता से जो आपने टहनियाँ बनाई हैं उन पे नियत जगह पे एक्यूरेट जगह पे चिपकाते चले जाएं। थोड़ा सा आकार देने के लिए नाइफ़ या किसी अन्य टूल का इस्तेमाल करें। वॉल पुट्टी के डो से चाहे तो इस तरीके से बीच में डिटेलिंग कर सकते हैं। अब आप जितने भी फ्लावर ड्राई हो गए हैं उनके पीछे वॉल पुट्टी और फेविकोल इन दोनों को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें, और इन्हीं के सहारे जितने भी फ्लावर्स हैं उनको आप चिपकाते चले जाएं। एक अच्छा सा कंपोजिशन सोचें कि आपको फ्लावर कहाँ चिपकाना है। छोटे वाले फ्लावर्स को ऊपर की तरफ और थोड़े बड़े फ्लावर को सेंटर या नीचे की तरफ। जो कलियाँ हैं उन्हें भी ऊपर की तरफ चिपका लें और इन्हें हम ड्राई होने देंगे, सूखने देंगे। जैसे ही हमारा ये क्राफ्ट ड्राई हो जाता है तो बाकी की डिटेलिंग भी कर लेते हैं, जैसे फ्लावर के नीचे छोटे छोटे डिटेल्स वगैरह। दोस्तों अगर आपने पहली बार ये क्राफ्ट करना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। बस एक चम्मच से डो बनाएं और कुछ फ्लावर वगैरह बनाकर अभ्यास करें। क्ले से जैसे ही डिटेलिंग ख़त्म हो तो कुछ डिटेलिंग ब्रश की सहायता से भी करें, ग्रीन कलर से या अपने मनपसंद कलर से डिटेलिंग कर सकते हैं, जैसे छोटी छोटी पत्तियाँ या फ्लावर की डंडियाँ या कुछ नर्व्स वगैरह निकाल सकते हैं। ये डिटेलिंग करने से पहले एक बार प्लान जरूर कर ले पेपर पे थोड़ा सा ड्राइंग करके कि कहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करना है। इससे क्या होगा, आपका जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। पीले वाले डो को थोड़ा सा फेविकोल मिला के पतला करें और इसी के सहारे ये छोटी सी डिटेलिंग करें। ये कट मिरर्स हैं, इनको फेविकोल की सहायता से बॉर्डर पे चिपका लें। तो दोस्तों बाल्टी के ढक्कन पे बना ये रशियन आर्ट तैयार है। अब भूल जाएं महंगे रशियन स्कल्पचर पेस्ट को, जब घर में आसानी से सस्ते में बना सकते हैं तो बाहर से क्यों लेना। ये किसी भी सरफेस पे बन सकता है। बड़ा क्राफ्ट बनाने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, अगर कहीं से क्रैक हो जाए तो इसी डो से उसे फिल कर फिनिश कर ले। मेरे चैनल पे आपको सभी तरह के वेस्ट मटेरियल से बने ढेरों क्राफ्ट मिलेंगे। एक बार ज़रूर विजिट करें और अपनी राय दें। अगर आप इस तरह के बजट वाले क्राफ्ट सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं स्वान क्राफ्ट, फ्लैमिंगो क्राफ्ट, पैरट प्लांटर। ये तीनों पेड क्लास एफबी ग्रुप में अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह के हजारों क्राफ्ट अभी आने बाकी हैं। आपका बजट वाला क्राफ्ट आपको हमेशा मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।